नमस्ते दोस्तों, जयपुर जायका में आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम आलू की चटपटी चाट बनाएंगे बहुत कम समय में और बहुत ही कम तेल के साथ इसे हम बनाएंगे। तो आइए बनाते हैं इसे बिल्कुल मार्केट के जैसे। तो देखिए, इसके लिए मैंने ये बॉईल आलू लिए हैं और उन्हें इस तरह से बड़े बड़े पीसेस में कट कर लिया है। तो आलू आप बहुत ज़्यादा बॉईल ना लें, लगभग 80% ही कुक आलू लें। और एक फ्राई पैन में देखिए मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है, इसे हम डीप फ्राई नहीं करेंगे, शैलो फ्राई करेंगे। तो तेल के गर्म होने के बाद इसमें आलू डाल दीजिए आप, और इसमें आप थोड़ा सा नमक डालेंगे, उससे जल्दी एक तो कुक हो जाएंगे, कुरकुरे होंगे और थोड़ा सॉल्टी हो जाएंगे। और आप इसे लगातार चलाते रहिए, फ्लेम हमें यहाँ मीडियम रखनी है, ना हाई करनी है ना लो करनी है, और लगभग इसे हम 8 से 10 मिनट तक कुक करेंगे और बीच बीच में चलाते रहेंगे। तो देखिए अब इसका कलर बदल रहा है और ये थोड़े थोड़े ब्राउन हो रहे हैं, और 7 से 8 मिनट में ही ये बहुत अच्छे से क्रिस्पी ब्राउन हो जाएंगे। और देखिए इन्होंने ऑयल भी सोक नहीं किया है, सारा ऑयल साइड में आ गया है। तो बहुत ही कम तेल में ये चाट बनेगी। तो देखिए बहुत अच्छे से क्रिस्पी और ब्राउन ये आलू तैयार हो गए हैं। अब इन्हें हम एक पेपर नैपकिन पर निकाल लेंगे ताकि एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए, और बहुत ही टेस्टी चाट बनेगी ये। तो एक बाउल में हमें ये आलू डालने हैं और उस पर हम थोड़ा काला नमक डालेंगे, थोड़ा भुना जीरे का पाउडर, थोड़े चिली फ्लेक्स और काली मिर्च, बस बहुत ही कम मसाले इसमें हम डालेंगे और इन्हें हम मिला लेंगे अच्छे से। अब थोड़ी सी देखिए हरी मिर्च और धनिया की चटनी है हरी वाली, और थोड़ा गुड़ और इमली की मीठी चटनी है, थोड़ा सा इसमें हम दही डालेंगे और हरी मिर्च थोड़ी और थोड़ा प्याज। आप चाहें तो ये सब मसाले कम ज़्यादा अपने टेस्ट से कर सकते हैं, और इन्हें हम अच्छे से मिला लेंगे। तो देखिए कितने कम समय में बहुत ही कुरकुरी और चटपटी आलू की चाट तैयार हो गई है, बिल्कुल मार्केट जैसी, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा है। थोड़ा सा ऊपर से हम फिर गार्निश करेंगे दही और मीठी चटनी से। तो देखिए ये चाट तैयार है, बहुत ही टेस्टी बनी है। और अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।